हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइंड मैप लिटरेचर। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म। आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म समझने से पहले हमें समझना होगा कि आर्किटाइप्स क्या होते हैं। व्हेन सर्टेन आइडियाज, सर्टेन सिंबल्स, सर्टेन मोटिव्स, सर्टेन थीम्स रीअकर नॉट ओनली इन सर्टेन कम्युनिटी बट टू मैनी कम्युनिटीज एंड कॉमन टू मैनी नेशन आर नोन एज आर्किटाइप्स। एग्जाम्पल से समझते हैं, लाइफ, डेथ, मैरिज, ये सभी रिलीजन में, सभी कंट्रीज में, सभी कम्युनिटीज में कॉमन है। एंड दीज आर एग्जाम्पल ऑफ आर्किटाइप। द बेस्ट एग्जाम्पल इज अवर रामायण, महाभारत। लॉर्ड राम इज एन आर्किटाइप ऑफ परफेक्ट एंड आइडियल मैन, एंड दैट्स द रीजन वाई ही इज कॉल्ड मर्यादा पुरुषोत्तम राम। सीता इज कंसिडर्ड एज एन आर्किटाइप ऑफ आइडियल वूमेन, आइडियल वाइफ। रावण इज कंसिडर्ड एज एन आर्किटाइप ऑफ evilness. लक्ष्मण इज कंसिडर्ड एज एन आर्किटाइप ऑफ परफेक्ट ब्रदर। हम कहते हैं ना कि इन भाइयों में राम लक्ष्मण जैसा प्यार है। तो ये है कुछ आर्किटाइप जो कॉमन है हिंदू मिथोलॉजी में। वेन एवर यू सी अ क्रॉस, सेम मूवमेंट यू विल इमेजिन द क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये है आर्किटाइप। आर्किटाइप ऐसे सिंबल हैं, ऐसे मोटिव्स हैं जो हर कम्युनिटीज, हर रिलीजन, हर देश में कॉमन है। Night, darkness, these are the symbol of fear, insecurity and horror. Day is a symbol of new life. हर एक community, हर एक religion, हर एक देश में ये archetype same होते हैं, common होते हैं. For example, हर देश में blue color को men और boys का color माना जाता है, pink color को ladies और girls का color माना जाता है. So, archetypal criticism में क्या होता है? Critics hidden archetype find out करते हैं literature में. जैसे स्ट्रक्चरलिस्ट स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते थे, फॉर्मेलिस्ट फॉर्म फाइंड आउट करते थे, वैसे ही आर्किटाइपल क्रिटिक्स आर्किटाइप फाइंड आउट करते हैं इन दैट वर्क ऑफ लिटरेचर। आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म इज सिमिलर टू साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट इन साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म वी स्टडी द माइंड ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन बींग, बट इन आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म माइंड ऑफ अ कम्युनिटी एंड ग्रुप ऑफ पीपल इज स्टडीड। साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म में हम एक इंडिविजुअल के माइंड, उसके अनकॉन्शियस की स्टडी करते थे, लेकिन आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म में ग्रुप ऑफ पीपल के माइंड की स्टडी की जाती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्किटाइप वॉज गिवन बाय अ राइटर कार्ल यूंग इन हिज वर्क आर्किटाइप एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस। इस वर्क में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कलेक्टिव अनकॉन्शियस का। अब कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्या होता है समझते हैं। कलेक्शन ऑफ आर्किटाइप विच आर फीड इन सर्टेन कम्युनिटीज, सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल इज नोन एज कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। हर कम्युनिटीज के कुछ आर्किटाइप्स होते हैं, हर रिलीजन के कुछ आर्किटाइप्स होते हैं, और वो हर एक इंडिविजुअल के दिमाग में होंगे जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। यदि मैं हिंदू कम्युनिटी से हूँ तो मेरे दिमाग में हिंदू कम्युनिटी के आर्किटाइप्स फीड है अनकॉन्शियस माइंड में। कोई मुस्लिम कम्युनिटी से है तो उसके दिमाग में मुस्लिम आर्किटाइप्स जो उनकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो दिमाग में फीड हैं। जो लोग क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं उनके दिमाग में अलग आर्किटाइप्स होंगे उनकी कम्युनिटी से रिलेटेड, और ये कलेक्शन ऑफ आर्किटाइप हमारे अनकॉन्शियस माइंड में फीड होते हैं। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस। जो कलेक्शन ऑफ आर्किटाइप हमारे अनकॉन्शियस माइंड में फीड है वो है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। कार्ल यूंग कहते हैं ये जो मिथोलॉजीज हैं ये कलेक्शन ऑफ आर्किटाइप्स हैं। मिथोलॉजी आर्किटाइप से भरी पड़ी है, जैसे रामायण है, महाभारत है, ग्रीक मिथोलॉजी है, दिस ऑल आर फिल्ड विथ आर्किटाइप्स। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म के जे एस फ्रेजर, और इनका वर्क गोल्डन बो स्टडी इन कंपैरेटिव रिलीजन, इसमें इन्होंने रिलीजन में प्रेजेंट आर्किटाइप्स की बात की थी। ये कहते हैं कि कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो पुराना रिलीजन हो, नया रिलीजन हो, हर रिलीजन में कुछ आर्किटाइप्स होते हैं जो कॉमन होते हैं। जैसे फ्लड, हर एक रिलीजन में इसकी मान्यता है। हिंदू मिथोलॉजी में हम कहते हैं प्रलय, काल करे सो आज का राज करे सो, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो प्रलय की क्या मान्यता है कि जब प्रलय आता है पृथ्वी में तो पृथ्वी फिर से नई हो जाती है, पुरानी जितनी भी चीजें होती हैं सब समाप्त हो जाती हैं और नया जन्म होता है अर्थ का। ऐसे ही मुस्लिम कम्युनिटी में क्या बोलते हैं, कयामत। What does it mean? It means the end of the world. In Christianity, what does they say? Doomsday, जिसका मतलब होता है अंतिम दिन। तो देखिए हर रिलीजन में उसी चीज की बात हो रही है लेकिन उसको नाम दूसरे दे दिए गए हैं। तो इन्हीं सब चीजों की बात की थी जे एस फ्रेजर ने अपने वर्क गोल्डन वो में। ही सेज कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ एंड रीवर्थ इज कॉमन इन ऑल रिलीजन।
और उन्होंने डेथ और रिवर्थ को दो सीजन से कंपेयर किया था। डेथ को उन्होंने कंपेयर किया था फाइनल हार्वेस्ट से और रिवर्थ को कंपेयर किया था स्प्रिंग सीजन से। एक और इम्पोर्टेंट राइटर थे नॉर्थरॉप फ्राय, जिन्होंने अपने वर्क एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म में आर्किटाइप की बात की थी। इन्होंने लिटरेचर को टू टाइप्स में डिवाइड किया, पहला कॉमिक, दूसरा ट्रेजिक। फिर इनको फर्दर डिवाइड किया कॉमिक को कॉमेडी और रोमांस में, ट्रेजिक को ट्रेजिडी और सेटायर में। इन्होंने इन चारों टाइप के लिटरेचर को चार सीजन से कंपेयर किया है। रोमांस को कंपेयर किया समर से, ऑटम को कंपेयर किया ट्रेजिडी से, विंटर को कंपेयर किया सेटायर से और स्प्रिंग को कंपेयर किया कॉमेडी से। ये कहते हैं जब भी हम लिटरेचर की बात करते हैं तो इनमें मेनली पांच चीज़ों का यूज़ होता है, पहला ह्यूमन, दूसरा एनिमल, तीसरा वेजिटेशन, चौथा मिनरल, पांचवा वाटर। जब हम रोमांस की बात करते हैं या कॉमेडी की बात करते हैं तो वही ह्यूमन हंसता खेलता हुआ नजर आता है, चारों तरफ हैप्पीनेस नजर आती है। लेकिन जब ट्रेजेडी की बात होती है या सटायर की बात होती है तो वही ह्यूमन एक विलन के रूप में नजर आता है। जब हम कॉमेडी या रोमांस की बात करते हैं तो एक एनिमल सीप होगा या पीकॉक होगा या कैट होगी, दैट मीन्स पेस्टोरल टाइप। लेकिन जब हम ट्रेजेडी की बात करेंगे या सेटायर की बात करेंगे तो वही एनिमल हंटर के रूप में नजर आएंगे, जैसे लॉयन हो गया, वुल्फ हो गए, ईगल हो गया। जब हम कॉमेडी या रोमांस में वेजिटेशन की बात करेंगे तो वही वेजिटेशन गार्डन के रूप में होंगे, लेकिन जब हम ट्रेजिडी या सेटायर की बात करेंगे तो वही वेजिटेशन डार्क फॉरेस्ट के रूप में होंगे या डेसर्ट के रूप में होंगे। जब हम रोमांस और कॉमेडी में मिनरल की बात करेंगे तो दे विल बी प्रीशियस एंड शाइनी स्टोन्स, बट जब हम ट्रेजिडी या सटायर में मिनरल्स की बात करेंगे तो वी विल डिस्कस अबाउट माउंटेन्स, रॉक्स। जब हम वाटर को रोमांस या कॉमेडी के रियल में देखेंगे तो हम रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स के रूप में देखेंगे, लेकिन जब ये सटायर और ट्रेजिडी में यूज होंगे देन दे विल बी यूज्ड एज स्टॉर्म, ओशियन, सीज। ये कॉन्सेप्ट थे आर्किटाइप के जो नॉर्थरॉप फ्राय ने दिया। एक और राइटर थी जो आर्किटिपल क्रिटिसिज्म से बिलोंग करती थी एंड सी वॉज मॉड वॉटकिन एंड सी हैज़ रिटन अ वर्क आर्किटिपल पैटर्न इन पोइट्री कॉल इन साइकोलॉजी स्टडीज ऑफ इमेजिनेशन। इन्होंने इस वर्क में पोइट्री में जितने भी आर्किटाइप यूज हुए हैं, जितने भी आर्किटिपल पैटर्न यूज हुए हैं शुरू से लेके आज तक, उनके बारे में डिस्कशन किया था अपने वर्क में। एंड दिस वॉज ऑल्सो अ मेजर वर्क रिलेटेड टू आर्किटिपल क्रिटिसिज्म। That's it for Archetypal Criticism. If you all like the explanation, please like, share and subscribe Mind Map Literature. Thank you.